नमस्कार दोस्तों, प्लेटफॉर्म भाई नवीन कुमार सिंह पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग को 22 जुलाई TRE3 BPSC TRE3 यानी PGT पे इकोनॉमिक्स पेपर थर्ड का एग्ज़ाम हो चुका है TRE3 का, तो आज हम लोग आपको TRE4 जो एग्ज़ाम होने वाला है और एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आई तो नहीं है, लेकिन पेपरों के थ्रू कितने एग्जाम होंगे, कितने सीट होंगे, कब एग्जाम होंगे, अनुमान लगाया जा रहा है कि 3-4 मंथ के अंदर अंदर में, 4 से 5 मंथ के अंदर अंदर भाई TRE4 होगी ही होगी, तो और इलेक्शन से पहले भी होगी, यानी दिसंबर जनवरी के आसपास में TRE4 होगी होगी। तो आप लोगों के पास से 3-4 मंथ बहुत सुनहरा मौका है TRE4 को हमारे साथ जुड़ने के लिए और TRE4 को क्रैक करने के लिए, यानी प्लेटफॉर्म भाई नवीन कुमार सिंह पर आइए और इकोनॉमिक्स हमारे साथ जुड़िए BPSC TRE4 के लिए। आप लोग को बहुत उससे लाभ मिलेगा और आप अपना एक सीट सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि इस बार सीट भी काफ़ी ज़्यादा में है और पता ना TRE5 होगा या नहीं होगा, लेकिन TRE4 तो होने वाला है, इसलिए अधिक से अधिक आप लोग जुड़िए। तो आज जो हम आपको बताएंगे BPSC TRE4 का सिलेबस आपसे डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे सिलेबस, और साथ में बताएंगे कि TRE2 TRE1 और TRE3 में किस किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आया है, तो वो भी आपके साथ आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, 8 अगस्त से हमारी बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग BPSC TRE4 के लिए कमर बस बांध लीजिए और एक सीट सुनिश्चित कीजिए और प्लेटफॉर्म भाई नवीन कुमार सिंह के साथ जुड़िए, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स 11th 12th, जो आप लोग थम देख रहे होंगे पेपर 3 यानी 11th 12th, तो हम आपके साथ लाइव आएंगे, ऑफलाइन आएंगे, ऑनलाइन आएंगे। तो आज हम सिलेबस पे बात करेंगे, किस पे बात करेंगे, आज हम सिलेबस पे बात करेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स कितने नंबर का होता है, तो 80 मार्क्स का होता है, इस बार भी 80 मार्क्स का हुआ है, इस बार BPSC A Part 3 पेपर 3 होता है, अगर हम बात करें तो पेपर 3 होता है और 80 मार्क्स का होता है। तो देखिए सेक्शन ए, इसको हम सेक्शन बाई सेक्शन बांट दिए हैं, पूरे डिटेल कवर करेंगे हम लोग टॉपिक और एनसीईआरटी जो स्टेट का जो सिलेबस है उसी सिलेबस के अनुसार आपके साथ हम पूरी कवर करेंगे और साथ में MCQ भी कराएंगे, क्या कराएंगे MCQ भी कराएंगे। तो एक टॉपिक समाप्त होगा उस टॉपिक से MCQ भी करेंगे, एक टॉपिक समाप्त उस टॉपिक से MCQ करेंगे, और इसका जो बेस है वो बेस क्या है NCERT स्टेट का सिलेबस, और बेस क्या है NCERT स्टेट का सिलेबस, और बेस क्या है NCERT, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ बेस क्या है, तो बेस है स्टेट का सिलेबस जो दे रखा है, उसी पैटर्न पर क्वेश्चन आने वाला है, और जो NCERT को कभी छोड़ के नहीं चलना है, छोड़ के नहीं चलना है NCERT। तो देखिए सेक्शन ए में कह रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम Unit 1 की बात करें तो इसमें हम पढ़ेंगे डिफिनीशन स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी हम बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स का पूरा स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक्स होता क्या है इसके स्कोप की बात करेंगे, इस सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों मैटर करता है, यानी अर्थशास्त्र की हम क्या करेंगे परिभाषा करेंगे, और इसका दायरा यानी कहां कहां तक फैला हुआ है उस दायरे की बात करेंगे, और इसके विषय वस्तु क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके सारे यानी एक एक टॉपिक का हम डिटेल अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें तो TRE3 की अगर बात करें तो सिर्फ इस टॉपिक से एक नंबर का क्वेश्चन आया था, इस टॉपिक से यानी डिफिनीशन से, आपको डिफिनीशन से अर्थशास्त्र की परिभाषा से उसके दायरा कहाँ कहाँ तक उसकी दायरा है उससे एक, और TRE1 में भी आया था, किसमें आया था तो TRE1 में भी आया था। उसके बाद दूसरा टॉपिक है इसमें कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी अवधारणा अवसर लागत उत्पादन संभावना और वक्र, इससे भी एक नंबर का TRE3 में आया था, TRE3 की अगर हम बात करें TRE3 तो इससे भी एक क्वेश्चन आया था, और TRE2 में भी इससे क्वेश्चन आया था। तो देखिए ये जो Unit 1 की अगर हम बात करें तो बहुत किसी भी सब्जेक्ट का जो पहला यूनिट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो विषय वस्तु के बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको दे देता है, किसके बारे में
तो विषय वस्तु के बारे में पूरी जानकारी आपको दे देगा कि विषय कैसा है, क्या बताना चाहता है विषय में, तो उस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी तरह होती है, क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी तरह होती ही होती है। तैयारी वन में भी देखा गया, तैयारी टू में और तैयारी थ्री में भी देखा गया, दो दो क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन आपको एक एक नंबर का मिला था, क्या दो दो क्वेश्चन आपको मिला था। तो इसलिए और ऐसे जैसे आपको मैं आज सिलेबस डिस्कस करूंगा, उसी तरह एक एक टॉपिक को हम पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे। और एक टॉपिक खत्म करने के बाद उसका एमसीक्यू हम करेंगे, उसका एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे चलेंगे। तो कंसेप्ट यानी क्या कंसेप्ट होना चाहिए, इसकी अपॉर्चुनिटी क्या है, उसके बाद कर उत्पादन, जैसे आपको बताया जाएगा कि प्रोडक्शन के कितने कारक होते हैं, कितने कारक होते हैं प्रोडक्शन के, प्रोडक्शन के कितने कारक होते हैं, ये पूरा आपको बताया जाएगा। प्रोडक्शन के कितने कारक होते हैं यानी उत्पादन के कितने फैक्टर होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, सारी डिटेल एनालिसिस आपको एक एक टॉपिक से, जैसे आज सिलेबस का एनालिसिस हो रहा है, उसी तरह एक एक टॉपिक को खोल के मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक। और बेस्ट रहेगा एनसीईआरटी, क्या स्टेट का सिलेबस और बेस्ट एनसीईआरटी। सॉरी, देखिए सेक्शन ए यूनिट एक इकाई दो, सेक्शन ए ही चल रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक चल रहा है, जैसे मैं इसको अगर हम माइक्रो और माइक्रो दोनों पढ़ना है, जैसे अभी माइक्रो चल रहा है तो माइक्रो, अब माइक्रो इकोनॉमी क्या होता है इसको भी हम डिटेल बताएंगे, माइक्रो माइक्रो क्या होगा, एक एक टॉपिक को मैंने आपको बता दिया। लॉ ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या होता है डिटेल पढ़ेंगे, मांग का नियम क्या होता है कि जब सप्लाई हो तो डिमांड क्या होगा, डिमांड हो तो सप्लाई क्या होगा, डिटेल अध्ययन करेंगे, ऐसा नहीं कि हम छोड़ने वाले हैं उसको, पूरी तरह से डिटेल डिटेल अध्ययन करेंगे। उसके बाद इलास्टिक ऑफ डिमांड, मांग लोच, ग्राफ के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्राफ के कैसे, ग्राफ के द्वारा कैसे इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, ग्राफ के द्वारा कैसे इसे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। और इससे भी इस बार क्वेश्चन आया था इलास्टिक ऑफ डिमांड से, तैयारी थ्री में एक नंबर का क्वेश्चन इससे भी आया था। उसके बाद आपको हम बात करें तो कार्डिनल एंड ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ लैंड ऑफ डिमांड यानी मांग की भूमिका, कार्डिनल और कर्मिक दृष्टिकोण क्या होता है किसी भी मांग की भूमिका, क्या कह रहा है, कार्डिनल 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 एंड ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है, इससे भी एक नंबर का क्वेश्चन। और इससे तैयारी वन तैयारी टू में पांच से छह क्वेश्चन था, पांच से छह सात नंबर का क्वेश्चन था, आपको देख लीजिए कितने टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तैयारी वन में भी एक क्वेश्चन था, तो ये टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है इसको हम पूरी डिटेल अध्ययन करेंगे, पूरी तरह से डिटेल, पूरी तरह से डिटेल। चलिए देखिए क्या यूनिट, देखिए क्या कितने टॉपिक है, तो यूनिट टू में तीन टॉपिक है, एक दो और तीन, एकदम तोड़ दिया हूं मैंने सिलेबस को, बहुत जगह से सिलेबस करके बनाया गया, तोड़ के बनाया गया है, ऐसा नहीं कि वैसे ही कहीं से छाप दे के तोड़ के टॉपिक कैसे होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, यूनिट थ्री बहुत इंपॉर्टेंट, पांच से छह नंबर के क्वेश्चन टीआरई टू में आया था, टीआरई टू वन में एक से दो क्वेश्चन और टीआरई थ्री में तीन क्वेश्चन, आइसो क्वांट आइसो लागत रेखा से क्वेश्चन, तैयारी वन में लॉ ऑफ सप्लाई प्रोड्यूसर ऑफ इक्विलिब्रियम उत्पादन का संतुलन, कैसे उत्पादन का संतुलन होता है, प्रोड्यूसर ऑफ इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे, कैसे करेंगे उत्पादन का संतुलन, प्रोड्यूसर ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। उसके बाद इससे आता लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन रिटर्न्स टू स्केल यानी परिवर्तन अनुपात का नियम, पैमाने का प्रतिफल, तैयारी थ्री एक क्वेश्चन। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, शॉर्ट देखिए कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व यानी कॉस्ट की अवधारणा, लघु रम और दीर्घ रम कॉस्ट वर्क क्या होता है, इसकी हम पूरी तरह से इसकी स्टडी हम करेंगे, जिसमें कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट की बात करेंगे, किससे तो कंसेप्ट ऑफ कास्ट की बात करेंगे।
कैसे होता है, शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, इसकी डिटेल अध्ययन करेंगे कि शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, इसकी डिटेल अध्ययन हम करेंगे वहां पे। क्या करेंगे, शॉर्ट रन क्या होता है, लॉन्ग रन क्या होता है, तो सारे एक एक टॉपिक को आपके साथ इस सिलेबस में आपको बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, तो सिलेबस बता रहा हूँ। यूनिट फोर में देखिए कौन कौन सा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ मार्केट, बाजार के प्रकार, कितने टाइप के बाजार होते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे अनऑर्गेनाइज संगठन यानी अनऑर्गेनाइज मार्केट क्या होता है, ऑर्गेनाइज मार्केट क्या होता है, क्या बताएंगे उसमें हम आपको बताएंगे अनऑर्गेनाइज, मार्केट ऑर्गेनाइज्ड मार्केट, ऑर्गेनाइज मार्केट क्या होता है, कितने टाइप के मार्केट होते हैं, मनी मार्केट क्या होता है, मुद्रा बाजार, दुबई के सारे आपको एक एक चीज यानी बाजार का प्रकार बताएंगे किस टाइप का बाजार होता है। उसके बाद परफेक्ट टॉप कंपटीशन, प्राइस डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉर्म एंड इंडस्ट्री, पूर्ण प्रतियोगिता फॉर्म और उद्योग का मूल्य निर्धारण संतुलन क्या, पहले इंडस्ट्री आपको बताएंगे, फिर फॉर्म क्या होता है, फॉर्म के बारे में डिटेल बताएंगे, फिर इस टॉपिक पर आएंगे परफेक्ट कंपटीशन और प्राइस डिटरमिनेशन क्या होता है। एक एक टॉपिक को खोल के पढ़ेंगे, उसके बाद टॉपिक का डिटेल, फिर उसके साथ एमसीक्यू, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ। उसके बाद मोनोपोली, प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिनेशन इन मोनोपोली, एकाधिकार और एकाधिकार में मूल्य और उत्पादन का निर्धारण क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल अध्ययन करेंगे पूरी तरह से डिटेल, और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिलेगा। उसके बाद कह रहा है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकार का प्रतियोगिता क्या होता है, क्या होता है एकाधिकार, इसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे कि एकाधिकार का प्रतियोगिता क्या होता है यानी मोनोपोलिस्टिक और कंपटीशन क्या होता है। उसके बाद ओलिगोपोली और काउंट्स मॉडल, किंग्ड डिमांड कर्व यानी अल्प अधिकार कुमोट, क्या कुमोट का मॉडल, और किंग्ड मांग वर्क क्या होता है, क्या होता है कुमोट का मॉडल, इसका हम डिटेल अध्ययन करेंगे। कुमोट्स का मॉडल क्या होता है, कुमोट्स का मॉडल क्या होता है, इसकी पूरी हम करेंगे। उसके बाद किंग्ड का मांग के वर्क क्या है, कर्व के द्वारा इसको हम समझेंगे कि किंग्ड का जो मार्क है, किंग्ड किंग्ड डिमांड कर्व क्या है, इसकी हम पूरी डिटेल अध्ययन करेंगे कि किंग डिमांड कर्व क्या है, किंग डिमांड कर्व क्या है, इसकी भी पूरी अध्ययन हम करेंगे कि किंग डिमांड कर्व क्या है। तो चलिए यूनिट फाइव में आएंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मैंने बताया ना उत्पादन के कारक, जैसे मैं बात करूं तो उत्पादन के कारक चार होते हैं, लैंड, अब लैंड लेबर, क्या लेबर, उसके बाद कैपिटल, कैपिटल, और उसके बाद इसी का नाम बोलिए ऑर्गेनाइजेशन, बोलिए ऑर्गेनाइजेशन, बोलिए ह्यूमन कैपिटल, बोलिए ह्यूमन कैपिटल, बोलिए ह्यूमन कैपिटल, बोलिए रिस्क, बोलिए इंटरप्रेनरशिप, बोलिए प्रेनरशिप, बोलिए सारे एक एक, लेबर कितने टाइप का होगा ये पूरे एक एक बताऊंगा, कैपिटल कितने टाइप का होता है, लैंड में क्या क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन के पूरे नाम क्यों देते हैं, एक एक स्टडी करेंगे हम लोग। क्या करेंगे आपको, तो एक एक स्टडी करेंगे, एक एक स्टडी करेंगे, क्या करेंगे हम एक एक स्टडी की बात करेंगे, ऐसा नहीं कि हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब यहाँ से देखिए इससे एक नंबर का क्वेश्चन आप जाके देख, तैयारी थ्री, टीआरई थ्री एक, टीआरई टू दो क्वेश्चन, टीआरई टू दो क्वेश्चन, और टीआरई वन में एक भी नहीं था इससे, लेकिन टीआरई थ्री और टीआरई टू दोनों में लगातार पूछ रहा है। उसके बाद इसके दूसरे टॉपिक से मार्जिनल प्रोडक्टिव थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सीमांत उत्पादकता वितरण का सिद्धांत क्या होता है, टीआरई थ्री एक क्वेश्चन एक नंबर का, टीआरई टू एक क्वेश्चन और टीआरई वन एक क्वेश्चन, इस टॉपिक से टॉपिक बाई टॉपिक मैंने लिखा आपके सामने क्वेश्चन कैसे होता है। उसके बाद कह रहा है क्लासिकल एंड कीन,
किनसियन थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज का शास्त्रीय और किनसियन सिद्धांत क्या होता है, क्या होता है, इससे इसे एक क्वेश्चन तैयारी थ्री एक क्वेश्चन। उसके बाद कह रहा है रिकार्डियन किराया सिद्धांत, किराया अर्थ और किराया का आधुनिक सिद्धांत क्या है, तैयारी वन एक क्वेश्चन, तैयारी वन एक क्वेश्चन। देखिए एक एक टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए हमें एक एक टॉपिक क्या करना है, पूरा डिटेल पढ़ना है, एक एक टॉपिक पूरा डिटेल पढ़ना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, एक एक टॉपिक को पढ़ना है, एक एक टॉपिक को पढ़ना है। यूनिट फाइव ही अभी चल रहा है, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी ऑफ वेजेस डिटरमिनेशन, तैयारी वन एक क्वेश्चन। मजदूरी निर्धारणता का मांग और आपूर्ति सिद्धांत क्या होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व ऑफ लेबर यानी सामूहिक सौदेबाजी, श्रम का पिछड़ा झुकाव, आपूर्ति वक्र क्या है। पूरे ग्राफ जहां पे कर्व की बात कर रहा है वहां आपको मैं ग्राफ के द्वारा पढ़ाऊंगा, ग्राफ समझा के कर्व कैसे बनता है, डिमांड कर्व क्या होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है, कैसे प्राइस बढ़ता है, जैसे कैसे अगर मैं बात करूं तो कैसे कर्व आता है, एक एक चीज जो एकदम क्लास में आप लोग देखेंगे पूरे डिटेल आपके पास होगा। उसके बाद प्रॉफिट नाइट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, सुमितर स्मिटर थ्योरी ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ नाइट का लाभ सिद्धांत और स्मिटर का लाभ सिद्धांत क्या होता है, इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। नाम है क्या होता है, इनकी थ्योरी क्या दिए हैं और ये नाइट थ्योरी क्या है, इसको पूरा डिटेल अध्ययन करेंगे हम, क्या करेंगे पूरी डिटेल अध्ययन करेंगे आपके साथ, पूरी डिटेल अध्ययन करेंगे, पूरी तरह से डिटेल अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट कह रहे अब आ गया सेक्शन बी माइक्रो इकोनॉमिक्स, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे तो क्या था, तो ये सब माइक्रो का पार्ट था, हम आपको बताएंगे कि माइक्रो मैक्रो में क्या डिफरेंस है, माइक्रो मैक्रो क्या होता है, हम इसकी पूरी आपके पास बताएंगे कि माइक्रो किसको कहते हैं, माइक्रो किसको कहते हैं, समष्टि और व्यष्टि की बात करेंगे, पूरी डिटेल अध्ययन करेंगे। तो अभी जो हम चल रहे हैं अब अगला क्या है, तो मैक्रो की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, तो मैक्रो की बात कर रहा है, अनुभाग बी माइक्रो इकोनॉमिक्स कह रहा यूनिट सिक्स, यूनिट सिक्स सर्कुलर फॉलो ऑफ इनकम टू थ्री एंड सेक्टर मॉडल, आय टू थ्री का परिपत्र प्रवाह और क्षेत्र मॉडल क्या है, इसकी भी हम डिटेल बात करेंगे। उसके नेशनल इनकम अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड मेजरमेंट क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय आय का लेखन अवधारणा और उपाय, तैयारी टू तैयारी थ्री। क्वेश्चन क्लासिकल थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का शास्त्रीय सिद्धांत क्या है, पूरा डिटेल बताएंगे इसमें, हम बताएंगे कि आपको कब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रोजगार भी बढ़ता है, कैसे बढ़ता है, वही कह रहा है कि रोजगार का शास्त्रीय सिद्धांत क्या है, राष्ट्रीय आय का लेखन अवधारणा और उपाय क्या है, इसी में हम लोग नेशनल इनकम में ही पढ़ेंगे, हम लोग जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, सारा आप लोग को कोई चीज छोड़ने वाला नहीं, सारा आप लोग को डिटेल अध्ययन कराएंगे। चलिए नेक्स्ट, रोजगार का कीनेंसियन सिद्धांत, कीनेंसियन थ्योरी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट क्या है इनका सिद्धांत, इस पर हम डिटेल बात करेंगे। उसके बाद कह रहा है कंजम्पशन ऑफ फंक्शन, उपभोग फंक्शन क्या होता है, इसकी हम डिटेल बात करेंगे। उसके बाद कह रहा है इन्वेस्टमेंट फंक्शन, कंसेप्ट ऑफ द मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर, निवेश फंक्शन का गुणक और त्वरक की अवधारणा क्या है, क्या होता है इन्वेस्टमेंट, जिसको हम आपको कोरिलेट करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट एफडीआई से भी कोरिलेशन बनाएंगे, एफडीआई से भी क्या करेंगे आपके साथ हम कोरिलेशन बनाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे, और इन्वेस्टमेंट निवेश फंक्शन का गुणांक और त्वरक की अवधारणा क्या होता है, इसकी भी हम बात हम पूरी तरह से डिटेल की बात करेंगे।
इसके बाद देखिए मनी फंक्शन एंड रोल ऑफ मनी, मुद्रा फंक्शन और धन की भूमिका, मुद्रा फंक्शन और धन की भूमिका, उसके क्या होता है मुद्रा फंक्शन और धन की भूमिका, यानी मनी फंक्शन क्या होता है, मनी फंक्शन क्या होता है, इसको हम मनी मार्केट से भी आपको जोड़ के हम बताएंगे, यानी मनी फंक्शन क्या होता है इसको मनी मार्केट से भी जोड़ के, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ द मनी फिशर एंड द कैम्ब्रिज वर्जन एक नंबर तैयारी थ्री, धन का किनिशियन सिद्धांत। देखिए किनिशियन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे रोजगार का सिद्धांत है, धन का किनिशियन सिद्धांत है, इस तीनों तैयारी टू में आया हुआ क्वेश्चन है, तैयारी टू एक क्वेश्चन आया हुआ है, और इसे तीनों से तैयारी थ्री में भी क्वेश्चन है, तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। यूनिट सेवन जिसमें कह रहा है मनी फंक्शन की बात कर रहा है, उसके बाद धन की परिमाण की बात कर रहा है, और धन की किनिशियन सिद्धांत की बात कर रहा है। जिस तरह आपको सिलेबस बताया जा रहा है डिटेल, उसी तरह आपको एक एक टॉपिक को हम क्या बताएंगे, आपको एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है क्लाइंट मॉनेटरी पॉलिसी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस एंड टूल्स तैयारी थ्री, एक क्वेश्चन तैयारी टू, दो क्वेश्चन। देखिए मौद्रिक नीति से कितना अच्छा एक क्वेश्चन आया था, सेंट्रल बैंक्स फंक्शन एंड रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक्स, बिल्कुल एक क्वेश्चन, कमर्शियल बैंक्स फंक्शन ऑफ टाइप एंड प्रिंसिपल, कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएशन ऑफ प्रिंसिपल, एक क्वेश्चन तैयारी टू, तैयारी थ्री। देखिए सबसे क्वेश्चन आ रहा है, सबसे सिर्फ आपको पढ़ना जरूरी है, क्या है आपको सिर्फ पढ़ना जरूरी है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आपको पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं अपना एक सीट, अभी भी बोल रहा हूं क्लियर करने के लिए, टीचर बनने के लिए, तो बहुत सुनहरा मौका है बीपीएससी फोर, यानी बीपीएससी तैयारी फोर पीजीटी जो फोर होने वाली है, अगर आप बात करें, और आप हमारे साथ जुड़िए और हम एक एक टॉपिक को एनालाइज करेंगे आपके साथ, डिटेल में स्टडी करेंगे, और उसका एमसीक्यू मैं बार बार कर रहा हूँ, उसका एमसीक्यू कराया जाएगा, उसका एमसीक्यू कराया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है खंड सी सार्वजनिक अर्थशास्त्र क्या है, पब्लिक इकोनॉमिक, पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स क्या होता है, सार्वजनिक और निजी, मैं आपको बताऊंगा गुड्स और सर्विस में क्या डिफरेंट है, बहुत लोग नहीं बता पाता है, एक एक टॉपिक में बताऊंगा गुड्स और सर्विस में क्या डिफरेंस है, मैं आपको बताऊंगा गुड्स और सर्विस में क्या डिफरेंस, पब्लिक एक्सपेंडिचर कॉजेज ऑफ इंक्रीजेज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, वैगनर्स लॉ, तैयारी टू, एक क्वेश्चन, तैयारी थ्री में इनडायरेक्टली रूप से एक क्वेश्चन था, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण वैगनर का नियम, पब्लिक एक्सपेंडिचर कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, वैगनर का लॉ, बिल्कुल इसका डिटेल स्टडी हम करेंगे, क्या करेंगे इसका, तो इसका डिटेल स्टडी करेंगे हम। कह रहा वाइज मैन मोर परिकल्पना क्या होता है, वाइज मैन पीकॉक हाइपोथेसिस क्या होता है, इसका पूरा डिटेल क्या होता है, वाइज मैन क्या होता है, कह रहा द प्रिंसिपल ऑफ द मैक्सिमम सोशल एडवांटेज अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत क्या है, इसका भी डिटेल स्टडी करेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ द मैक्सिमम सोशल एडवेंचर पीआरई वन, एक क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ द टैक्सेशन एबिलिटी पे प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन पीआरई थ्री, एक क्वेश्चन, डायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों देखा जाए तो एक तरह से क्वेश्चन टैक्सेशन से तार पीआरई टू में भी था, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए इसमें टैक्स के बारे में हम लोग को आपको बजट, इस बार का जो बजट है निकला जिसमें सेवन स्लेप्स
की बात कर रहा है, कितने 7 पॉइंट में टैक्स को बांटा है उसको भी मैं आपको बताऊंगा, यानी करंट अपडेटेड के साथ आपको अपडेट करूंगा। किससे? करंट अपडेटेड से। देखिए ये दिया है बीपीएससी तैयारी 4.0 एग्जाम इकोनॉमिक्स पीजीटी 11-12 80 मार्क्स, अपना कंफर्म कीजिए 80 मार्क्स और नवीन कुमार के साथ जुड़िए प्लेटफॉर्म पे, यानी प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार के साथ जुड़िए, जहां पे मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा और 80 नंबर मार्क्स अपना सुनिश्चित कीजिए, साथ ही साथ एक सीट भी सुनिश्चित कीजिए। क्या कीजिए? एक सीट भी सुनिश्चित कीजिए, और मात्र कितने में? 999 में। मात्र कितने? 8 अगस्त, भूलिएगा मत, 8 अगस्त। मात्र कितने में? 999। 8 अगस्त 999, 8 अगस्त 999। प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह पे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा पूरे डिटेल में 11-12 का इकोनॉमिक्स, 11-12 का इकोनॉमिक्स बेस्ड स्टेट सिलेबस, बेस्ड क्या होगा? स्टेट सिलेबस होगा। तो आप लोग जुड़िए, न्यू बैच 8 अगस्त TRE4 PGT 11-12 और तो आप लोग जुड़िए प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह, प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह के साथ। अब देखिए कह रहा है टैक्सेशन, टैक्सेशन इकोनॉमिक्स इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन इंपैक्ट इंसिडेंट एंड द शिफ्टिंग ऑफ टैक्स, कराधान के सिद्धांत, कितने टाइप का कर होता है, अभी किस तरह स्लैब में बांटा गया है, कराधान के आर्थिक प्रभाव और घटना और कर की कटौती, तैयारी टू एक क्वेश्चन, पब्लिक डिबेट, टाइप्स ऑफ द इफेक्ट्स और रिडेम्पशन ऑफ द पब्लिक डिबेट, यानी सार्वजनिक ऋण और प्रकार और प्रभाव, सार्वजनिक ऋण का मोचन क्या है, इसकी डिटेल स्ट्रेटेजी 1 एक क्वेश्चन था इसमें। तो देखिए टैक्सेशन से भी तैयारी 1 में भी आया है, तैयारी 2 में भी आया है, तैयारी 3 में भी आया है, तो हम एक एक चीज क्या करेंगे, एक एक चीज एनालाइज करेंगे। अब आइए कह रहा है यूनिट 10 इकाई 10 कह रहा है भारतीय कर प्रणाली द इंडियन टैक्स सिस्टम, बताया ना आपको, एक क्वेश्चन था तो बताओ ना आपको डिटेल बताऊंगा, भारत में सार्वजनिक व्यय पैटर्न और वृद्धि क्या है, पब्लिक डेब्ट मैनेजमेंट इन इंडियन, भारत में सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन क्या है, इसको मैं सब एग्रीकल्चर में ऋण किसको दिया जाता है, कोऑपरेटिव, सब एक एक कोऑपरेटिव है, नबार्ड, सारा आपको एक एक चीज नहीं छोड़ूंगा, मतलब एक एक टॉपिक आप लोगों को बताऊंगा। सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, उसके बाद फाइनेंशियल रिलेशन, देखिए कितना खराब है, GST वजह से मिलता भी नहीं, क्यों नहीं मिलता इसको मैं करेक्ट करूंगा आपको। 15 फाइनेंस कमीशन क्या है, 15वां वित्त आयोग क्या है, इसकी डिटेल हम याद अध्ययन करेंगे। अब आ गया कंसेप्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट अंडर द आर्थिक विकास और अभिविकसितता की अवधारणा क्या है, यानी डेवलपमेंट एंड अंडर, उसके बाद कह रहा है डेवलपमेंट। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन जरूरी है, किसी देश का अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर देंगे तो उसका इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, एक क्वेश्चन था तैयारी 2 में, और इनडायरेक्टली रूप से देखा जाए तो तैयारी 3 में भी एक क्वेश्चन था। अब आज पॉवर्टी एंड इनइक्वलिटी कंसेप्चुअल इश्यू एंड द मेजरमेंट, गरीबी और असमानता संकल्पनात्मक मुद्दे और मापन, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एडम स्मिथ एंड डेविड, आर्थिक विकास का शास्त्रीय सिद्धांत एडम स्मिथ से क्वेश्चन था TRE 3 में, डायरेक्ट पूछा था क्वेश्चन TRE 3, एडम स्मिथ जिन्होंने इकोनॉमिक्स को, जिनको फादर्स ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, 1776 में जिन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन में एक बुक लिखा था, कैसे लिखा था क्या, इसकी भी डिटेल हम जानकारी करेंगे, इसकी भी डिटेल स्टडी हम करेंगे, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे। उसके बाद इसमें TRE 1 में एक क्वेश्चन था, देखिए हर एक टॉपिक से तैयारी एक छूट रहा है तो दूसरा में पूछ दे रहा है, तीसरा में पूछ दे रहा है, इसलिए एक एक टॉपिक को डिटेल एनालाइज करना कितना जरूरी है, डिटेल में पढ़ना कितना जरूरी है कि आप समझ नहीं पा रहे हो,
कि डिटेल में पढ़ना कितना जरूरी है एक एक क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन और एक एक टॉपिक को। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्लास हमारा जो होगा उसमें 8 अगस्त से पहले हमें टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 को पूरा क्वेश्चन एनालाइज करेंगे, ठीक, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके बाद आपको एमसीक्यू दिया जाएगा, क्योंकि इस बार सीट भी ज्यादा है और मौका भी है 4-5 मंथ का, और हमारे साथ जुड़िए और एक सीट सुनिश्चित कीजिए। मैं वादा करता हूं पूरे डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। रिकॉर्ड माल्थस, जेस मिल्स, कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ द इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। कार्ल मार्क्स का अर्थशास्त्र विकास का सिद्धांत क्या है? कार्ल मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा था टीआरई 3 में, इसी से इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन था टीआरई 3। रोस्टेड का आर्थिक विकास का चरण। उसके बाद समीटर थ्योरी सिद्धांत क्या है? देखिए वहां भी था और यहाँ भी था, इसका डिटेल स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट। रोडन का बाड़ा धक्का सिद्धांत क्या है? लुइस का आर्थिक विकास सिद्धांत क्या है? लुइस थ्योरी ऑफ द इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। उसके बाद कह रहा बैलेंस वर्सेस अनबैलेंस ग्रोथ क्या होता है? संतुलित बनाम असंतुलित विकास क्या है? उसके बाद का गरीबी का दुष्चक्र नर्कस फिसियस ऑफ सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या होता है? गरीबी का दुष्चक्र, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे गरीबी का दुष्चर्क होता है, उसमें हम पूरी गरीबी के स्टार्ट इंटरनेशनल का आपको अपडेट करेंगे, नेशंस अपडेट करेंगे, बीत आयोग क्या कहता है, सारा आपको मैंने बताया ना एक एक टॉपिक डिटेल में, एक एक टॉपिक डिटेल में। नेक्स्ट, मॉडल्स ऑफ द इकोनॉमिक्स ग्रोथ, हैरल्ड डोमर स्लो, यानी आर्थिक विकास के मॉडल हैरल्ड डोमर स्लो क्या है, बिल्कुल डिटेल इसकी दिए करेंगे। रोल ऑफ द स्टेट इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, यानी अर्थशास्त्र विकास में राज्य की भूमिका क्या है। उसके बाद फॉरेन कैपिटल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विदेशी पूंजी और आर्थिक विकास, टीआरई 3 का इनडायरेक्ट रूप से एक क्वेश्चन था, टीआरई 3 एक क्वेश्चन, ये टीआरई 1 एक क्वेश्चन। पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जनसंख्या और आर्थिक विकास क्या है, कैसे जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसको हम डेवलपमेंट के रूप में करेंगे, एनसीईआरटी में दिया है। संसाधन के रूप में लोग, क्या संसाधन के रूप में लोग, पालमपुर के बाद उसका चैप्टर है। फिर तीसरा चैप्टर है चैलेंजेज ऑफ पॉवर्टी। तो मैंने बोला ना कि बेस एनसीईआरटी स्टेट का सिलेबस, बेस एनसीईआरटी स्टेट का सिलेबस और बेस एनसीईआरटी। नेक्स्ट, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन का अर्थ और प्रकार। उसके बाद कह रहे सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज, टीआरई 1 में क्वेश्चन था इससे एक क्वेश्चन, प्लानिंग प्लानिंग से क्वेश्चन टीआरई 3 इनडायरेक्टली, डायरेक्टली रूप से और इनडायरेक्टली, जिससे आपका एक क्वेश्चन रहा टीआरई 3। उसके बाद कह रहा प्लानिंग बाई द डायरेक्शन, प्लानिंग बाई द इन डिशमेंट, यानी दिशा धारा योजना और प्रेरणा धारा योजना क्या है। उसके बाद ग्रोथ मॉडल इन इकोनॉमिक प्लानिंग, प्लानिंग योजना को हम आपको डिटेल बताएंगे, उसके बाद नीति आयोग को डिटाएंगे, प्लानिंग कमीशन से एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, एक क्वेश्चन हमेशा रहता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अनुभागी अंतर अर्थशास्त्र क्या है, तो इसमें कहते हैं थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एब्सोल्यूट कॉस्ट एंड एडवांटेज, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी ऑफ हेक्सर ऑनलाइन थ्योरी, यानी कह रहा है हेक्सर ऑनलाइन थ्योरी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, निरपेक्ष लागत लाभ, तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत और हेक्सर ऑनलाइन सिद्धांत क्या है, तो इसकी डिटेल स्टडी हम करेंगे, क्या करेंगे इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है बैलेंस ऑफ द पेमेंट बीओपी, कॉजेज ऑफ द डिसइक्विलिब्रियम एंड मेजरमेंट ऑफ द करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम। देखिए टीआरई 2 एक क्वेश्चन, जाकर देख लीजिए टीआरई 2 एक क्वेश्चन, मैंने बोला ना उसके बाद टीआरई 3 डायरेक्ट रूप से एक क्वेश्चन। गेन्स फ्रॉम ट्रेड टीआरई 3 एक क्वेश्चन इनडायरेक्ट रूप से, देखिए कैसे है अगर हम बात करें तो
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एक क्वेश्चन था, हर साल रहेगा। तैयारी वन, तैयारी वन टू थ्री, एक एक क्वेश्चन, दो दो भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है, पूरा पढ़ना। आईएमएफ क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है, आईबीआरडी क्या होता है, डब्ल्यूटी क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूबी क्या होता है, उसके बाद और भी संस्था है डब्ल्यूएचओ इटीसी लिखा हुआ है, पूरी इंस्टीट्यूशन आपको पढ़ाया जाएगा। डब्ल्यूएचओ क्या है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, सारे पूरी इंस्टीट्यूशन का आपको, G20 शिखर सम्मेलन क्या है, एक एक टॉपिक आपको पढ़ा दिया जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम क्या है, एक मतलब इटीसी छोड़ के मतलब है कि सारे आपको डिटेल अध्ययन कराया जाएगा, डिटेल डिटेल। उसके बाद क्या रहा है, खंडे भारतीय आर्थिक विकास, फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्वेश्चन, थ्री क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ऑफ द चेंज इन द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन क्या, देखिए इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रूप से क्वेश्चन रहा ही रहा। नेक्स्ट, इंडियन एग्रीकल्चर, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स, एग्रीकल्चर लैंड रिफॉर्म, बिल्कुल डिटेल करेंगे हम। भारतीय कृषि, कृषि भूमिका और महत्व, कृषि भूमि की समस्याएं और सुधार। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन एंड द अदर मेजर इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, हियर टू ए क्वेश्चन। एग्रीकल्चर, हरित क्रांति और कृषि में सरकार का इनडायरेक्टली रूप से देखा जाए, टीआरई थ्री में भी एक क्वेश्चन था। अब आ जाइए इंडस्ट्री से, क्वेश्चन था सभी में, वन टू थ्री। भारतीय उद्योग आर्थिक सुधार के पूर्व पश्चात युग में औद्योगिक विकास, प्रॉब्लम्स एंड द प्रोस्पेक्टिव ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस ऑफ इंडिया, भारत में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों की, बोले ना इससे एक दोनों से टॉपिक से क्वेश्चन था। सर्विस सेक्टर इन इंडियन ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, बैंकिंग एंड कॉमर्स, बैंकिंग से क्वेश्चन, तैयारी थ्री। ह्यूमन डेवलपमेंट, भारत में मानव विकास, डेमोग्राफी, फीचर्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, तैयारी टू एक क्वेश्चन। डेमोग्राफी डिपेंड ऑफ द स्किल डेवलपमेंट, उसके पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया, टीआरई थ्री एक क्वेश्चन। भारत में गरीबी और बेरोजगारी, और उसके बाद डेवलपमेंट पॉलिसी इन फाइव ईयर प्लान्स, यानी पूरे फाइव ईयर प्लान्स पूरे पढ़ेंगे, भारत की विकास नीतियाँ और योजना, नीति आयोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे। इशू कंसर्निंग इकोनॉमी ऑफ बिहार, प्रेजेंट स्टेटस एंड द परफॉर्मेंस, पॉलिसी इनिशिएटिव फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेक्शन और क्वांटिटेटिव मेथड, बिहार की अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे, वर्तमान स्थिति और प्रदर्शन, आर्थिक विकास के लिए नीतिगत पहल, अनुभाग, मात्रात्मक विधियां, डिटेल करेंगे इसका। और इसके बाद आ गया मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, थियरी वन एक क्वेश्चन था इस टॉपिक से। फैलाव का उपाव, करेक्शन एंड द रिग्रेशन, उसके बाद मेजर ऑफ द डिस्पेशन, सहसंबंध और प्रतिगमन, और जितने भी नाम था उस नाम से भी क्वेश्चन था। उसके बाद लास्ट है सूचकांक पढ़ेंगे, कौन सूचकांक क्या क्या निकालता है, पूरा सूचकांक के टेस्ट करेंगे। सिंपल डिफरेंशन एंड द इंटीग्रेशन, सरल विभेद और एकीकरण, मैक्सिमा एंड मिनिमा क्वेश्चन था, वन टू थ्री में क्वेश्चन डायरेक्टली रूप से, और अर्थशास्त्र में गणित का अनुप्रयोग एक क्वेश्चन। तो देख लिए आपको मैं बताया क्वेश्चन किस किस टॉपिक से था, कैसे था, और बेस्ट क्या, हम एनसीईआरटी पढ़ाएंगे आपको, एससीईआरटी पढ़ाएंगे, माइक्रो इकोनॉमी पढ़ाएंगे, मैक्रो पढ़ाएंगे, स्टैटिक्स पढ़ाएंगे और इंडियन इकोनॉमी पढ़ाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे इस सिलेबस को खोल दिया गया है, तोड़ दिया गया है, उसी तोड़ने के इसी बिहाफ पे इसी तरह आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दिया जाएगा, ऐसे जैसे है वैसे ही पढ़ाया जाएगा। तो फिर जोड़ जाइए प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह पे 999 में, मात्र कितने में, 8 अगस्त, जैसे आपको मैं टॉपिक तोड़ के बताया हूँ, बनाया हूँ, उसी तरह बनाऊंगा मैं आपको, और उसके साथ एमसीक्यू, हर टॉपिक खत्म इधर एमसीक्यू, हर टॉपिक खत्म इधर एमसीक्यू, यानी एक सीट आपको सुनिश्चित करना है। तो चलिए मिलते हैं।
थैंक यू सो मच। बहुत कर रहा हूँ।